प्राइम मिनिस्टर खुद आके वहाँ के जो हालात हैं यहाँ पर उनको कहने के लिए हम डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बार बार यहाँ तो नहीं आए या लोकसभा में तो करना था, और ये पूरी सरकार की इसकी मंशा ये है कि हम कुछ ना बोले और चुप्पी साध रहे। लेकिन ये जेन्युइन डिमांड है 267, और आज मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जो 276 है और 265 है, सॉरी 267 है जी, इसमें अंतर क्या है, तो उन्होंने ही बताया 267 को प्रायोरिटी मिलती है जब 176 को नहीं है उन्होंने कहा, तो इसलिए पहले 267 लेना चाहिए था, इसीलिए मैं डेरिक ओब्रॉय को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा। जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना सो मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन वो मान रहे नहीं, एक तो जब मानते नहीं है तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें, एक सेशन से ज्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो, चर्चा करने दो, सभी लोग इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वो कल है, उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया, उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मुंह करो, मोशन मुंह करे, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करे। इसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके, नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे, यहाँ पर अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है, तो इंडिया के MPs हैं इन्होंने इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है।